दोस्तों, क्रिकेट बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में कुछ भी संभव है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का अभी भारत में खेला जा रहा है और उसके लीग मैचेस चल रहे हैं। वाली जो सेमीफाइनल्स की रेस है वो काफ़ी पेचीदा हो गई है। पहले दो स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत पहले नंबर पर क्वालिफाई कर चुका है, दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है, तीसरे और चौथे नंबर पर अभी बहस जारी है। हालांकि मेरे हिसाब से चौथे तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगा और चौथे नंबर की जो दौड़ है इसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान पूरी तरह से बने हुए हैं। कल तक श्रीलंका भी इस रेस में बना हुआ था। हालांकि कल का जो मैच हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें काफ़ी ऐसे इवेंट्स हुए जो क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं हैं, जैसे कि मैच के 25वें ओवर में, पहली इनिंग्स के 25वें ओवर में साकिब उल हसन जो कप्तान थे बांग्लादेश के, जब वो बॉलिंग करा रहे थे तो उस वक्त चार विकेट गिरने के बाद श्रीलंका के बैटिंग करने आए थे उनके पूर्व का खिलाड़ी, यानी कि एक पुराने खिलाड़ी एंजिलो मैथ्यू, जिन्होंने वापसी की है और वो अपने टाइम से लेट हो गए, हमने पहले एक वीडियो में बताया था। और उनका जो हेलमेट था उसकी एक स्ट्रिप्स टूटी हुई थी, तो उसने वापस से जब उसे ठीक कराने के लिए फिर से डकआउट में किसी को भेजा तो उसका टाइम ज़्यादा हो गया और उसे टाइम आउट दिया गया। साकिब उल हसन ने अपील की और उसे टाइम आउट डिक्लेयर किया गया। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि एक कंट्रोवर्सी सी शुरू हो गई और श्रीलंका के पास कल तक तो चांस था, अगर वो कल का मैच जीत जाते और फिर 9 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उनका एक इंपॉर्टेंट मैच था, अगर वो भी वो जीत जाते तो ऐसी कंडीशन में श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए क्वालिफिकेशन सेमीफाइनल्स के लिए थोड़ी हद तक आसान हो जाती। पर कल का मैच बांग्लादेश बड़ी आसानी से साकिब उल हसन की बेहतरीन इनिंग्स की वजह से जीत गया और ऐसे में श्रीलंका पूरी तरह से टूर्नामेंट से आउट है। बांग्लादेश ऑलरेडी बाहर था, इसके अलावा इंग्लैंड बाहर था, नीदरलैंड अभी ऑफिशियली बाहर हुआ नहीं है, हालांकि ऑलमोस्ट वो बाहर ही है। और ऐसी कंडीशन में अब पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड सेमीफाइनल का क्वालिफिकेशन या उसमें सेमीफाइनल्स में जाना कुछ हद तक और मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी 9 नवंबर को अगर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को नहीं हराया तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड चौथे स्थान के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर उस मैच में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया या उस मैच में बारिश की प्रेडिक्शन है, अगर बारिश होती है तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के पास जो उनके इंग्लैंड के खिलाफ 11 तारीख को मैच है उसमें पूरा चांस होगा। उन्हें पूरी इक्वेशन पता होगी कि उन्हें कितने रन कितने ओवर्स में बनाने हैं, कितनी पहले इंग्लैंड को ऑल आउट करना है। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान शायद चौथे स्थान के लिए क्वालिफाई करे और ऐसे में दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो फिर इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल बिल्कुल परफेक्टली फिक्स हो सकता है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है वर्ल्ड कप में। बने रहिए आप आज टीवी के साथ।